नमस्कार, मैं पंडित कर्मवीर अनुरागी आपका अपने राम श्री कुंडली दर्पण चैनल में आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी लोग ठीक से होंगे। आज मैं आपके लिए एक अद्भुत साधना लेके आया हूं, जिसमें आपको ना तो किसी का कोई मंत्र का जाप करना है, ना कोई आपको जोत बत्ती का झंझट है, ना नियम है इसमें, ना कायदा है। एक ऐसी साधना है जिसे आप आसानी से कर सकता है। ये एक ऐसी साधना है जिसे हर कोई आसानी से कर सकता है। ये साधना 18 साल से ऊपर के बच्चों के लिए है, नव युवकों के लिए है और 60 साल से नीचे के आदमियों के लिए है, क्योंकि इसमें वो इस साधना को वो लोग कर सकते हैं जिनका दिल मजबूत हो, जिनके मन में भय ना हो, जो किसी बात से डरते ना हो, वो लोग इस साधना को कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य अंधविश्वास फैलाना नहीं है, हमारा उद्देश्य धर्म से जोड़ना है और लोगों को जागरूक करना है। जो लोग इस साधना में रुचि रखते हो या जो ऐसे आध्यात्मिक से जुड़े हुए लोग हैं, ये साधना उन लोगों के लिए है जिनके समय नहीं है, जो ज्यादा पूजा पाठ नहीं कर सकते, जो मंत्र जाप नहीं कर सकते, जिन पे समय का बहुत अभाव है, तो ये साधना वो लोग कर सकते हैं। इसमें उनको ज्यादा करने में दिक्कत नहीं होगी, मगर इसके लिए उनको एक ऐसा पीपल का पेड़ ढूंढना पड़ेगा जिस पर कोई दूसरा पेड़ उगा हुआ हो। कई बार क्या होता है, जैसे पीपल का पेड़ है, बरगद का पेड़ है, अमरूद का पेड़ है, आम का पेड़ है, तो इन पेड़ों के ऊपर एक दूसरा पेड़ उग जाता है कुदरती तौर पर, उसे बांदा बोलते हैं। जैसे कि पीपल के पेड़ पे आम का पेड़ उग गया है तो उसे पीपल का बांदा बोलेंगे, या आम के पेड़ पर पीपल का पेड़ उग गया है तो उसे आम का बांदा बोलेंगे, और आम बोलचाल भाषा में इसे भूतिया पेड़ भी बोलते हैं। कुछ लोग इसे, जो भगत लोग हैं, इसे भूतिया पेड़ भी बोलते हैं। तो आपको सबसे पहले एक ऐसा पीपल का पेड़ या आम का पेड़, पाकड़ का पेड़, बरगद का पेड़, ऐसा पेड़ ढूंढना पड़ेगा जिसमें दूसरा पेड़ उगा हुआ हो, जमीन से नहीं पेड़ के ऊपर पेड़, किसी शाखा से जुड़ा हुआ हो, धरती से उसका कोई लेना देना नहीं होगा। ऐसा पेड़ आपको ढूंढना है, और अगर आप ऐसा पेड़ ढूंढ लेते हैं तो फिर आप इस साधना के को आसानी से संपन्न कर सकते हैं। तो इस साधना को आपको कैसे करना है, जैसे आपने पेड़ ढूंढ लिया है, पीपल का पेड़ ढूंढ लिया आपने जैसे, और उस पर नीम का पेड़ लग रहा है या बरगद का पेड़ लग रहा है या आम का पेड़ लग रहा है, तो उस पेड़ के आपको तीन पत्ते लाने हैं दिन में। आप कहीं सोचोगे हमें रात को जाना है, रात को तो हमें डर लगेगा, हम जा नहीं पाएंगे गुरु जी, तो आपको दिन में लाने हैं पत्ते। तीन पत्ते तोड़ के ले आओ आप, जो पीपल के पेड़ पे आम का पेड़, नीम का पेड़ या किसी और भी चीज का पेड़ हो, बेर का पेड़ हो, तो उसके तीन पत्ते तोड़ के आपको लाने हैं। आशा करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। और अपने सोने का जो कमरा है आपका, उस कमरे में आपको खाट बिछानी है, उसपे बिस्तर बिछाना है आपको आराम से, और बिस्तर बिछाकर जो आप तीन पत्ते तोड़ के लाएंगे, रात में तकिए के नीचे उन पत्तों को रखना है और आराम से उस बिस्तर पे आपको सो जाना है और कुछ नहीं करना। आप कहेंगे कैसी साधना बता रहे हैं गुरु जी, ये साधना अद्भुत है, चमत्कारिक है, आपको विश्वास करना पड़ेगा कि ऐसी भी कोई साधना हो सकती है। शायद आपने ना सुनी हो, मगर ये एक साधना है। आप इस तरह सो गए और सुबह उठ के अपने जो भी आपको काम करना है वो काम कीजिए, और इन पत्तों को एक जगह रख लीजिए उठाकर, और जब आप दूसरे दिन इन पत्तों को तोड़ने जाएंगे, पीपल के पेड़ के पास ही जाना है आपको, और फिर वो पत्ते तोड़ के, तीन पत्ते फिर तोड़ के लाने हैं। ये 11 दिन की साधना है आपकी, और 11 दिन तक आपको यही कर्म करना है, तीन पत्ते तोड़ने हैं, तकिए के नीचे रखने हैं, रात को सोना है, मगर दिन में उस बिस्तर को छूना नहीं है, उस कमरे में कोई जाए ना, उस बिस्तर में कोई लेटे ना, उस बिस्तर को आपको समेटना नहीं है, क्योंकि दिन में आप उस बिस्तर पर अगर लेटते हैं तो बिस्तर साधना आपकी भंग हो जाएगी। दिन में उस कमरे को खोल के रखना है, उस कमरे में कोई घुसे ना, और रात में ही आपको सोना है, दिन में कहीं भी आपको सोना नहीं है। दिन में आप जो भी काम करना चाहते हैं उस काम को आप आराम से कीजिए। ये प्रेत की साधना है, ये सात्विक साधना है,
और आपको दूसरे दिन से तीसरे दिन से आवाज होना शुरू हो जाएगा। ये प्रेत आएगा रात को दो मध्यरात्रि के बीच में, 2 बजे 12 से 2 के बीच में आएगा, और जब भी आएगा आपको आवाज हो जाएगा और आपकी आँख खुल जाएगी और वो आपके सिराने खड़ा होगा। आप देखेंगे तो सिराने खड़ा मिलेगा आपको, तो आप उससे कहना कि आप मेरे मित्र बनोगे क्या, मैं लोगों का जन कल्याण करना चाहता हूँ और मैं लोगों के लिए भलाई के लिए कार्य करना चाहता हूँ, क्या मेरा साथ दोगे? अगर वो हूँ ऐसे करके सर हिलाए तो समझ लो वो आपका काम करेगा, और वो ऐसे ऐसे नाम है सर हिलाए तो फिर उससे कुछ नहीं कहना, तो समझ लो कि मतलब वो आपका काम नहीं करेगा। बस ये विशेष ध्यान रखना कि दिन में उस कमरे में कोई जाए ना और बिस्तर पर सोए ना, क्योंकि दिन में वो प्रेत आके सोएगा, रात में आप सोएंगे, दिन में वो प्रेत होगा जो आपको ढूंढता हुआ आएगा जहां से आप पत्ते तोड़ के लाएंगे, और जैसे ही आपको 11 दिन हो जाते हैं और जो आपने पत्ते तोड़े हैं लास्ट वाला, बाकी जो 11 दिन से पहले आवाज होने से पहले के जो पत्ते हैं वो तो आपको उनका जल प्रवाह कर दें, या जो पीपल का पेड़ है वहीं आप छोड़ के डाल सकते हैं, या मिट्टी में दबा दें उन पत्तों को, ये कर सकते हैं आप। और जो 11वें दिन जो लास्ट वाले दिन जो आप पत्ते लेके आएंगे, तो उससे अगले दिन 12वें दिन आपको एक ऐसा भिखारी ढूंढना है जो जगह जगह जाकर भीख मांगता हो। आपने भिखारी को खोज लिया, फिर वो कुछ पैसे भिखारी को देने हैं आपको, और वो जो 3 पत्ते देने आपने बिस्तर के नीचे रखे थे 11वें दिन रात को, वो पत्ते उसके हाथ में पकड़ा देना है। आपको इतना करना और कुछ नहीं करना, जो प्रेत है जिसने हामी भरी कि हाँ मैं आपका साथ दूंगा, वो उस भिखारी में आ जाएगा, फिर वो कहेगा मांग क्या मांगता है, तो आपको उस प्रेत से ये बोलना है कि मैं आपको मित्र बनाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ आप मेरे साथ आजीवन रहें, मैं जन कल्याण के कार्य करना चाहता हूँ, मैं लोगों का भला करना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने आपको याद किया है, इसीलिए मैंने साधना की है, क्या आप मेरा साथ देंगे? अगर वो कहता है मैं आपका साथ दूंगा, तो फिर जो भी वचन आपको लेना है उससे वचन लीजिए कि आप मेरा कभी नुकसान मत करना, मेरा हित मत करना, मेरे परिवार का नुकसान मत करना, और मैं आपसे कार्य करवाऊंगा, साथ भी कार्य कराऊंगा, लोगों की भलाई के लिए कराऊंगा, कोई बुरा कार्य मैं आपसे नहीं कराऊंगा, और जो उसका होगा वो आपको बताएगा, उसके बाद फिर वो उसमें भिखारी में से निकल आएगा। उसके बाद भी मतलब और कोई काम नहीं भिखारी का, भिखारी अपने रास्ते और आप अपने रास्ते, और वो प्रेत फिर आपको दिखने लगेगा, अपने जो उसका असली रूप है उसमें दिखेगा, और 24 घंटे आपके साथ रहेगा, जो भी आप उसको कार्य बताओगे वही आपके वो कार्य को मिनटों में कर देगा। ये इस तरह की साथ की साधना है, उससे कोई बुरा काम लेना नहीं है, कोई जबरदस्ती उसको काम करवाना नहीं है, जो काम आप बताएं उसको करना होगा तो वो कर देगा, नहीं करना होगा तो मना कर देगा कि मैं ये काम नहीं करूँगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है हमेशा, इससे कोई गलत काम के लिए कभी नहीं बोलना, जबरदस्ती काम के लिए जोर नहीं देना उसको, ये काम का जिस काम के लिए वो मना कर दे तो उससे वो काम नहीं करवाना। तो ये 11 दिन की साधना है और बहुत ही आसान और वो भी बहुत ही सात्विक साधना है, वैसे आप हमें आशा करता हूँ साधना को आप जरूर संपन्न करेंगे, और आप अपने दोस्तों को मित्रों को भी साधना के बारे में जरूर बताएंगे, और जो लोग नए हैं जो पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, हमारे चैनल को हमारे प्रोग्राम को पहली बार देख रहे हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और लोगों को भी हमारे चैनल से जोड़ें, क्योंकि हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। अगर आप हमें लाइक नहीं करेंगे, सब्सक्राइब नहीं करेंगे, तो हमें कैसे पता लगेगा कि आपको हमारे प्रोग्राम अच्छे लग रहे हैं नहीं लग रहे? तो आशा करता हूँ आपको ये अच्छा लगेगा, हमारा जो अभी हमने आपको उपाय बताया है, जो भी साधना बताई है, बहुत ही आसान है, आपको इससे बहुत ही लाभ होगा, और इससे आप नाम यश कीर्ति सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं साधना के बल पर, और ये जो प्रेत है ये आपको नुकसान भी कोई नहीं पहुँचाएगा, क्योंकि ये सात्विक प्रेत है। कुछ प्रेत ऐसे होते हैं जो नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं, ये जो साधना है इसमें वही प्रेत आएगा जैसी आपकी विचारधारा होगी, आप सात्विक हो तो आपको सात्विक प्रेत मिलेगा, वो ढूंढता हुआ खुद आ जाएगा आपके पास, ये भगवान की कृपा से आएगा। तो आशा है आप इस प्रोग्राम को लाइक करेंगे और पसंद करेंगे, और अपने मित्रों में दोस्तों में प्रोग्राम को आगे शेयर करेंगे, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इस साधना का लाभ उठा सकें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।
किसी और प्रोग्राम के साथ, किसी और साधना के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।